असम टेक एंड ब्लॉग, असम टेक एंड ब्लॉग में आपका फिर से एक बार वेलकम। तो फ्रेंड्स, आज हमारा गांव में एक छोटा सा ब्लॉग वीडियो बनाएंगे, ब्लॉग नहीं। तो हम आज आए हैं जो पेड़ खाने के लिए, मतलब यहां पे आप देख सकते हैं कि एक यहां पे बड़ा सा पेड़ का पेड़ है और एक वहां पे छोटा वाला है मेरे सामने रही में। आज फ्रेंड्स हम ऐसे नहीं खाएंगे पेड़ को, सीधा जो पेड़ में से तोड़ के नहीं खाएंगे डायरेक्टली, हम उसको क्या करेंगे कि आज पेड़ का जो भरता बनाएंगे और खाएंगे। जैसे भरता ना, कसम से बोल रहा हूँ, बहुत ही मज़ा आता है। आप लोग शायद नहीं खाए होंगे कभी, और इस एरिया का होंगे तो मतलब हमारा जो जिससे हमारी जो तेजपुर एरिया है, इस एरिया का अगर आप होंगे तो आपको पता होगा कि बेर का भरता जो कैसे बनता है। तो अगर आपको नहीं पता है तो आज आप जान जाएंगे कि कैसे बनाते हैं। और अभी हम आए हैं यहाँ पे एक छोटा सा जो जंगल है, मतलब पहले कब्रिस्तान था और अभी मतलब यहाँ पे कब्रिस्तान नहीं, ये बंद हो चुका है। और यहाँ पे पीछे देख सकते हैं कि हमारा गाँव है, उसके बीच में एक ब्रिज पड़ता है छोटा सा पुलिया। हमारा जो मदर लैंग्वेज है, हमारा लैंग्वेज में हम इस जगह को कार्डुलोंग बोलते हैं। तो हम अभी आए हैं कार्डुलोंग से और चलते हैं पेड़ की जो पेड़ है वहाँ पर, तो और आपको दिखाएंगे कि कैसे बनता है और कैसे बनाना पड़ता है, तो अभी बनाए खा सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये रहा जो पेड़ का पेड़ है और वो रहा रहीम जो कि तोड़ रहा है। हाथ में इस बार वो रहा रहीम, रहीम और मैं हूँ, दो लोग हैं और खाएंगे। अभी सबसे पहले तोड़ना पड़ेगा बेर को। अब देख रहे हैं कि यहाँ पे बहुत सारा बेर लगा हुआ है लेकिन कैमरा में नहीं दिखाई दे रहा है, तो आप बने रहिए वीडियो में। ये देख सकते हैं, ये इस तरह का जो लाल लाल है, खाने में बहुत ही मजा आता है, चटनी बना के तो और ज्यादा। जो भरता बोलते हैं वही आज बनाएंगे और आपको बताएंगे कैसे बनाना है। हमने बेर जो है तोड़ लिया है और हमने अभी सारे सामान जो है इकट्ठा कर लिया है, निकाल के रखा है। और अभी आपको बताऊंगा कि बेर का जो भरता है उसको बनाने के लिए क्या क्या सामान चाहिए, पूरा का पूरा प्रोसेस इसी वीडियो के अंदर। तो पहले दिखा देता हूँ सामान क्या क्या चाहिए। तो फ्रेंड्स, सबसे जो पहला नंबर पे हमारा बेर है, बेर आप ले लेना, जितना आपको भरता बनाना है उसी हिसाब से। हमने कितना हुई है, आधा किलो का तकरीबन ले लिया है, आधा किलो जैसे होगा उतना नहीं होगा फिर भी बोल रहा हूँ ऐसे ही। और उसके बाद जो है दो नंबर पे मिर्ची चाहिए, हरा मिर्ची जो कि आप अपने हिसाब से ऐड कर सकते हैं, आप कितना तीखा खाते हैं उसी हिसाब से मिर्ची को जो है ऐड करें। तो उसके बाद चाहिए नमक, हमने पत्ता पे रखा है, ये रहा नमक है, ये नमक भी मिक्स करना होता है। फिर ये अदरक है, अदरक को छिला नहीं है, छील लेना अदरक को छील लेना। उसके बाद जो हमारा मेन जो इम्पोर्टेंट चीज़ है ये है धनिया, धनिया हम डालना ही चाहिए, धनिया से बहुत अच्छा एक खुशबू आता है जो कि मज़ा आता है खाने में। और एक जो कि जिसके अंदर हम डाल के इसको कूचेंगे, कुछ कुछ के जो भरता बनाएंगे वो है ये बम्बू का हमने बनाया है। इसको दोनों तरफ से काटना पड़ता है, एक साइड में जो गांठ है उसके मतलब सटाए काटना पड़ता है और जो दूसरा गांठ है ऊपर वाला वहाँ पर उसको मतलब एक साइड से नीचे वाला हिस्सा को काट के रखना होता है। जो कि आप देख सकते हैं कि इसको हमने हमाम दस्ता बना लिया है। अब लोहे वाला हमाम दस्ता को यूज़ ना करें क्योंकि उसमें जो पहले का जो कूटा हुआ सामान रहता है, धनिया वगैरह मिर्ची, वो सब बदबू आता है तो ठीक नहीं लगेगा। इसलिए जो कि एक बम्बू काट लेना नया वाला, फ्रेश वाला, जो कि बहुत ही मज़ा आएगा उसमें खा के। और एक ऐसा वाला चाहिए जो कूचने के लिए, ये ऐसा कूचने के लिए, बस इतना ही सामान चाहिए। और अभी दिखाते हैं कि किस तरह से यहाँ पे मतलब ऐड करना है सामान और कूचना है। जो अभी उस पे मतलब क्या है, ये बम्बू का हमने जो हमाम दस्ता बनाया है उसमें कैसे डालना है आपको दिखाते हैं। सबसे पहले फ्रेंड्स आपको बेड़ ले लेना है, 10 से 15 ले लेना है, हमने 10 लिया है, डाल देंगे इस तरह से जो कि रहीम डाल रहा है, ये रहा। उसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पे आप मिर्ची अपना हिसाब से ऐड करें, हमने 2 मिर्च। उसके बाद है धनिया जो हमारा मेन इम्पोर्टेंट है जो कि टेस्ट बनाता है, धनिया डाल देना है। उसके बाद नमक ले लेना है थोड़ा सा एक चुटकी, फिर उसके बाद जो अदरक है उसको भी लेना पड़े, अदरक डाल, अदरक का 2 टुकड़ा ले लेते हैं छोटा छोटा सा, अदरक से भी बढ़िया खुशबू आता है। बस इस तरह से डाल देना है अंदर और इस तरह से कूचना है, जैसा कि अभी रहीम कूच रहा है आप देख सकते हैं, कुछ इस तरह से दबा के कूचना है। थोड़ा जो हमाम दस्ता है वो अगर लंबा हो तो ठीक है, ठीक रहता है, छोटा वाला से जो बाहर मतलब निकल जाता है, अगर लंबा हो तो बढ़िया है। कुछ इस तरह से आपको कूचना है,
फ्रेंड्स चटनी जो है आधा बन चुका है, भरता यहाँ तक भर चुका है और थोड़ा बेड़ बचा है और जो हमारा मटेरियल है वो भी थोड़ा सा बचा है। हम पूरा ये इसी के अंदर डाल के ख़त्म करेंगे और पूरा दबा खाएंगे। तो पहले बना लेते हैं। तो फ्रेंड्स हमारा चटनी जो है तैयार हो चुका है, बेड़ का भरता चटनी तैयार हो चुका है। यहाँ पे भर गया आधा, इतना भरा हुआ है, इसको अभी निकालना पड़ेगा। निकालने के लिए फ्रेंड्स हमारे पास हथियार है जो कि ये है, दाव है। इसको हम क्या करेंगे, बीच से फाड़ेंगे इसको, तभी जाके इसको निकल पाएंगे, नहीं तो नहीं। तो फ्रेंड्स सबसे पहले हम इसको फाड़ देते हैं और जो मटेरियल है हमारा जो माल है उसको निकालते हैं। ये रहा माल, अब खाएंगे। Hold me close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all. तो फ्रेंड्स हमारा चटनी जो है बहुत तीखा बन चुका था। हमने दो दो मिर्ची डाला था, दो दो मिर्ची नहीं डालना चाहिए हमारे, सबसे एक एक ही डालना चाहिए। बहुत ज्यादा तीखा बन गया है हमारा चटनी। और रहीम देख सकते हैं धूप में जाके बैठा है, इतना तीखा उसको लग गया है। चटनी आधा खा चुका है और खा ही रहा है, मान नहीं रहा है क्योंकि टेस्ट इतना ज्यादा है कि हर कोई खाएगा इसको। तो फ्रेंड्स बस आज का वीडियो में इतना ही। बस उम्मीद करता हूँ कि आप जो बेड़ का चटनी कैसे बनता है वो तो सीख ही गए होंगे, देखे होंगे। तो फ्रेंड्स आज का वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलेंगे अगले वीडियो के साथ। तब तक के